Thank you फ्रेंड कैसे हो आप सब और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हो रही और बिल्कुल मौसम खुला नहीं है और हवा भी चल रही तो आप लोगों क्या ठंडी कैसी हो रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऊपर आवाज़ हो रही क्योंकि मंगी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है तो छत पे दौड़ है इसी वजह से आवाज़ आ रही है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा तो मैं सोची कि चलो आप लोग सारी रेसिपी शेयर करती हूँ फ्रेंड तो अगर मेरी गाजर की हलवा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा तो जो मेरे चैनल पे न्यू फ्रेंड विजिट कर रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और प्यार दीजिए हमें तो चलिए फ्रेंड मैं अब

आप चाहे तो कद्दूकस करके ही बस ही बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ आज बॉईल कर दी थी गाजर को तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है ना वो हीट हो चुकी थी तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ शुद्ध देसी घी और आप शुद्ध देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है फ्रेंड तो यहाँ पर देखिए मैं अब डाल दे रही हूँ गाजर को तो अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बन बनाऊँगी आज और आप लोग को बताऊँगी वह तो यहाँ पे मैं ली थी ड्राई फ्रूट तो उसे मैं काट लूँगी तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे यहाँ मेरे पास खोया नहीं था तो मैं इसे बना रही हूँ दूध से तो दूध मैंने एक साइड चढ़ा दिया अच्छे से बॉयल हो जाएगा ये इसको मैं खूब अच्छे से बॉयल करूँगी ये बहुत ही गाढ़ा हो जाए जिससे कि तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं बॉयल कर चुकी थी तो गाढ़ा हो गया था और मैं डाल दी हूँ हलवे में तो आप चाहे तो आपके पास खोया हो तो खोया डाल दीजिए और दूध को स्किप कर दीजिए लेकिन फ्रेंड मेरे यहाँ मेरे पास खोया नहीं था तो इसी वजह से मैं खोया स्किप कर दी हूँ उसके जगह पे मैं ऐड कर दी हूँ दूध तो बहुत ही अच्छा आ, बना हुआ था तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ चीनी और चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको चारों तरफ से मिला लूँगी और ये देखिए फ्रेंड अच्छे से मिल भी गया है और देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है फ्रेंड तो यहाँ पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स कटे हुए थे तो उसे मैं डाल दे रही हूँ और उसके बाद में ये देखिए इलायची पाउडर इसे मैं डाल दूँगी तो फ्रेंड आप हलवा बनाइए तो उसमें इलायची पाउडर ज़रूर ही जरूर डालिए क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये देखिए मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट करके आप लोग भी बताइए कि हलवा कैसा बना है सर्दी के मौसम में तो ये गाजर का हलवा मिल जाए तो वाह क्या बात है बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे घर में अधिकतर सबको पसंद है फ्रेंड तो हलवा बन के रेडी हो गया है तो यहाँ पे सारे लोग हलवा खा लिए हैं और लाडो हैं जो वो अभी सो के उठी है ना तो मॉर्निंग का टाइम है तो सो के उठी हैं तो मैंने पूजा पाठ जब कर लिया तो ये तब तक सो ही रही थी और उसके बाद में मेरा हलवा भी बन गया तब भी सो रही थी तो उठी हैं और एक घंटे हो गए इनको उठे हुए तो ये जिद कर रही हैं ना मैगी खाने के लिए तो इनके लिए मैं सोच रही हूँ प्लान में मैगी ही बना दूँगी प्लान तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पर पानी चढ़ा दिया है जब तक उधर बॉयल होगी तो इधर मैं तब तक अपना मटर छील लूँगी और ये देखिए मैगी मैगी जो है अच्छे से इसको तोड़ लूँगी क्योंकि ऐसे ही जब आप डाल देंगे ना तो बच्चे खा नहीं पाते जब इसको आप तोड़ के डालेंगे ना तो बच्चे बहुत ईजी ईजी तरीके से स्पून से खा लेते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड मैं यहाँ इसको फ्राई नहीं करूँगी प्लेन ही बनाऊँगी तो बच्चों के लिए प्लेन ही मैगी अच्छी होती है और ठंडी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही फ्रेंड आप लोग क्या कैसी ठंडी पड़ रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हवा भी चल रही है और ये देखिए मेरी जो बाबू है ना मैं उनको ऐसे बैठा दी हूँ मेरे किचन में एक छोटा सा बेड है सिंगल बेड पड़ा हुआ है तो उसी पे मैं उन्हें बैठा देती हूँ और वो बैठी हुई हैं तो मैं उनसे बातें ही कर रही हूँ कह रही हूँ बेटा बैठो भी आपकी मैगी झटपट रेडी हो जा रही है तो बच्चे जो होते हैं ना उनको ऐसे ही लेके हम लोग को काम करना पड़ता है जो हाउस वाइफ होती हैं आप लोग को तो पता ही होगा तो फ्रेंड हमको भी जैसे लग रहा है ना कुछ जुकाम हो जाएगा और ये देखिए सूखी मैगी इनको ऐसे ही मैगी खाने में बड़ा मज़ा आता है और ये जब हम मैगी बनाते हैं ना तो पहले ऐसे ही मांगती हैं या ऐसे ही खाती हैं तो इनको मैं भी कैप वैप लगा के रेडी करती हूँ लेकिन ये जो है बार बार अपना कैप निकाल के फेंक देती तो मैं इनको मंकी वाला कैप लगाई हूँ इस बार तो जैसे कि निकाल नहीं पाएंगी और ये देखिए मेरा जो पानी है ना अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने उसमें सिर्फ ऐड किया है मैगी मसाला और कुछ नहीं और उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया हरी मटर और उसमें डाल दे रही हूँ मैगी तो मैगी को मैंने ऐसे ही तोड़ा है आप लोग कैसे तोड़ते हैं बताइएगा ज़रूर क्योंकि बच्ची है ना अभी खा नहीं पाएगी तो इस वजह से तोड़ दी हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ सारी मैगी को अच्छे से और ये देखिए अब इसे मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी तो फ्रेंड आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए और ये देखिए मैगी बन के रेडी हो गई है तो आप लोग भी आ जाइए टेस्ट करने की लाडो मेरी मैगी किस तरह से खाती हैं फ्रेंड मैगी भी बन गई और लाडो को मैंने मैगी खिला भी दी और सो गई हैं और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है तो इसके बाद में अभी हमें आज कट करना है साग तो हमारे यहाँ साग ये देखिए मंकी ऊपर बहुत ज़्यादा सूख हो जाए हैं तो ये देखिए फ्रेंड आई है यहाँ पे पालक सोया मेथी है तो अब फ्रेंड मैं चल रही हूँ उसे कट करने और टाइमिंग हो रही है साढ़े तीन की तो अब मैं चल रही हूँ कट कर दूँगी और लाइट आ जाएगी तो मैं उसे इंडक्शन पर चढ़ा दूँगी और तब तो उसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी तो चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा तो फिर मिलूंगी एक अच्छे वीडियो के साथ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दीजिए फ्रेंड और अपना ख्याल रखिए तो बाय बाय